स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल में। आइए आज हम लोग जो है मैं आपको क्रम से केमिस्ट्री का 10th क्लास का सेक्शन पढ़ा रहा हूँ। पहला चैप्टर मैं आपको पूरा पढ़ा चुका हूँ। अब हम लोग इसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करेंगे। इम्पॉर्टेंट क्या, मैं आपको सारे क्वेश्चन कराऊंगा NCERT प्लस इसके अलावा जो आप जो भी बुक पढ़ते होंगे उसमें जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन होंगे वो सभी आपको मिल जाएंगे। तो जो इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम में भी 2019 और 18 में जब से सिलेबस चेंज हुआ जो आए हैं वो भी क्वेश्चन मैं आपको पूरे कंप्लीट कराऊंगा और एक एक विथ एक्सप्लेनेशन आपको कराऊंगा। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। नंबर एक पहला क्वेश्चन है आपका, पहले MCQ करते हैं हम लोग। ठीक है, MCQ जो एग्ज़ाम में 1-1 मार्क्स के आए हैं तो किस प्रकार के आए हैं। जैसे देखिए पहला क्वेश्चन है, ये देखिए NCERT की बुक अगर आप पढ़ते हैं तो उसकी एक्सरसाइज में सारे क्वेश्चन ऊपर या नीचे आगे पीछे आपको मिल जाएंगे, सब कंप्लीट मिलेंगे। आप जो भी बुक पढ़ते होंगे आपको ये सारे आंसर और क्वेश्चन उसमें मिलेंगे जरूर। ये मत सोचिए कि नहीं मुझे मिलेगा नहीं तो मैं वीडियो छोड़ दूँ क्यों पढ़ूँ, तो मत ऐसा मत सोचिए। आपके लिए इम्पॉर्टेंट है और 100% इससे आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन जो है मिलेगा ही मिलेगा। कम से कम 4 से 6 मार्क्स का आपको इसमें मिलेगा। देखिए एक आपको रिएक्शन दी गई है, ठीक है, और पूछा गया है कि ये किस प्रकार की रिएक्शन है। क्या है रिएक्शन? नंबर एक Fe2O3 प्लस Al और गिब्स आपको एल्युमिनियम ऑक्साइड बन जाएगा, सीधी सी बात है, एक्सचेंज हो जाएगा ना। तो इसका टाइप पूछ रहे हैं आपसे क्या है, और Fe अलग होगा। तो बैलेंस करने के लिए कैसे करेंगे हम लोग, ये तो चीज़ सेम लिखी है Fe, तो इसके क्या लगेंगे आपके भैया, Al2 आया तो 2 एल्युमिनियम तो लगेंगे ही, और Fe अलग हुआ तो Fe अलग होंगे। तो ये आपके बैलेंस करने का तरीका हो गया। अब क्वेश्चन क्या था, ये रिएक्शन देके आपसे पूछा है कि ये किस प्रकार की अभिक्रिया है, विच टाइप ऑफ रिएक्शन आपसे पूछा हुआ है। तो कौन सी है, हम लोगों ने टाइप ऑफ रिएक्शंस पढ़े हैं, तो ये आपको मालूम है जब एक मेटल हो और किसी साल्ट से उसके एलिमेंट्स को या एटम को रिप्लेस करता है तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो आप समझ गए होंगे। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, और परिभाषा तो आपको डेफिनेशन याद होगी, जबकि कोई परमाणु या धातु किसी सूत्र से उसके या किसी परमाणु समूह या अणु से किसी धातु को विस्थापित करता है तो इस अभिक्रिया को हम लोग प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। और एक उदाहरण, तो आप बहुत सारे अभ्यास करेंगे तो आपको इससे तैयार रहेंगे, और आप किसी भी डेफिनेशन में आपको एग्जाम्पल की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि एग्जाम्पल मायने रखते हैं। आप ये मान के चलिए अगर 2 मार्क्स का आ रहा तो 1 मार्क्स का आपका एग्जाम्पल होता है केमिस्ट्री में खास तौर से। इसके बाद सेकेंड है आपका कि नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। ठीक है, नीचे दी गई, अब देखिए आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है, एक रिएक्शन दी गई 2Pb, ठीक है, प्लस ऑक्सीजन के से नहीं कार्बन के साथ PbO लेड ऑक्साइड, और इसको कार्बन के साथ बर्न किया तो क्या बन जाएगा आपका Pb प्लस CO2, क्या बन जाएगा आपका CO2। तो बैलेंस करने के लिए दो, देखिए मैंने उसे लिख के मैं देख रहा हूँ तो इसलिए मैंने लिख दिया, लेकिन PbO और C मिलके Pb और CO2 बनाएंगे, कन्फर्म है, ये नेचुरल है। अब यहाँ 2 लगा इसलिए बैलेंस करने के लिए 2 लगाया गया ताकि ऑक्सीजन हो पाए, और फिर इसके बाद Pb को बैलेंस करने के लिए इसके आगे 2 लगा दिया जाएगा। इस तरीके से आपकी रिएक्शन बैलेंस हो गई। अब क्या करेंगे हम लोग, इसमें जानेंगे कि ये टाइप तो आपको पता ही हो गया, ये भी तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही है यानी प्रतिस्थापन, लेकिन इसमें आपसे पूछा ये गया है, 4 क्वेश्चन दिए गए, मतलब 4 ऑप्शन दिए गए, पूछना बताइए इसमें सही क्या है। तो अब आपको सारी रिएक्शन के टाइप और उनके चीज़ें पता होनी चाहिए। अब देखिए ऑप्शन पहले सुन लीजिए, सीसा अपचयित हो रहा है यानी क्या रिड्यूस हो रहा है, तो देखिए रिडक्शन हो रहा है क्या, तो सीसा क्या है, ये लेड, इसको सीसा बोलते हैं, लेड भी बोलते हैं सीसा भी बोलते हैं, धातु है ना कि घर में चेहरा देखने वाला सीसा, कन्फ्यूज मत होइएगा। ये पीबी, अब क्या ये अपचयित हो रहा है, तो ये कहाँ अपचयित हो रहा है, आपको कहीं दिख रहा है अपचयित होते हुए, नहीं दिख रहा ना। हाँ ये कह सकते हैं कि लेड ऑक्साइड पीबी में अपचयित हो गया है, ना कि लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है, ठीक है। इसके बाद जो है दूसरा आपसे पूछ रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है, ठीक है, आपसे क्वेश्चन में याद रखिएगा कन्फ्यूज में, तो असत्य पूछ रहे हैं, तो पहला तो असत्य हो गया क्योंकि ये तो नहीं हो रहा है इसका अपचयन, ठीक। अगर रिवर्स देखा जाए तो ये और ऑक्सी, मतलब यहाँ मत कन्फ्यूज होइए आप, फिर ज़्यादा एक्सप्लेन में आप कन्फ्यूज हो जाएंगे। सीधी सी बात है, क्या रिएक्शन में पीबी में कोई हाइड्रोजन वगैरह जुड़ रहा है क्या, नहीं ना,
तो फिर कैसे हम बोल देंगे कि इसका उपचयन हो रहा है या अपचयन हो रहा है, ठीक है। उसके बाद देखिए, उपचयित का मतलब ऑक्सीकरण होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इसका ना तो ऑक्सीकरण हो रहा है, ना तो इसका रिडक्शन हो रहा है, ना अपचयन ना उपचयन, कुछ भी नहीं हो रहा। इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड भी क्या ऑक्सीकृत हो रहा है, कुछ इसमें कहाँ ऐड हो रहा, कार्बन में ऑक्सीजन ऐड हुआ तब आपका CO2 बना, ठीक है ना। तो उपचयित कहाँ हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड आपका, ठीक है। इसके बाद ये भी असत हो गया, फिर कार्बन उपचयित हो रहा है, कार्बन क्या है उपचयित हो रहा है, हाँ तो ये सही है, कार्बन में ऑक्सीजन ऐड हुए ना, तो यानी ऑक्सीडेशन प्रोसेस हो गया कि नहीं हो गया, तो यानी ये उपचयित हो रहा है, ये सही है आपका। उसके बाद फिर फोर्थ नंबर पे है कि लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है, तो लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है, तो हाँ बिल्कुल हो रहा है, क्योंकि इससे रिमूव हो रहा है ना ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के हटने के या हाइड्रोजन के जुड़ने के प्रोसेस को ही अपचयन बोलते हैं, और ऑक्सीजन के जुड़ने और हाइड्रोजन के हटने को ऑक्सीडेशन या उपचयन बोलते हैं। तो कार्बन का उपचयन हो रहा है और लेड ऑक्साइड का क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। तो ये दोनों कथन सत्य हैं, ऊपर वाले दोनों कथन ये वाले गलत हैं कि पीबी का क्या हो रहा है ऑक्सीकरण या रिडक्शन, कुछ भी बोलें ये दोनों गलत हैं, यहाँ कुछ भी नहीं हो रहा, क्या नई चीज़ बन रही है कुछ, और CO2 का भी ऑक्सीकरण हो रहा है, ये भी बात गलत है। तो इसका चार ऑप्शन कॉम्बिनेशन बना के दिए गए कि फर्स्ट सेकेंड सेकेंड थर्ड, तो आपका जो भी ऑप्शन है यानी पहला और सेकेंड, अब ये ऊपर नीचे भी हो सकते हैं, तो आपको उस समय पढ़ के सेंस लेना है। इसके बाद फिर है तीसरा क्वेश्चन है आपका, दिया गया है वाई को फिल करना है इसमें कि क्या होगा। तो देखिए थ्योरी जब तक आप क्वेश्चन नहीं लगाएंगे तो आपको टाइप किस प्रकार से पूछे जाते हैं, कैसे उनका आंसर देना है, ये आप नहीं समझ पाएंगे। तो इसके बाद क्या है कि फेरिक क्लोराइड है, फेरिक क्लोराइड, फेरिक क्लोराइड प्लस 2H2O प्लस वाई और गिब्स आपके पास है, फेरस क्लोराइड बन गया, क्या बन गया, फेरस क्लोराइड बन गया, और साथ में आपका एक सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 और HCl 2HCl, ये आपकी कंप्लीट रिएक्शन दी गई है। अब बोल रहे हैं आइडेंटिफाई कीजिए यानी पहचान कीजिए कि Y के स्थान पर क्या होगा। चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं उन्होंने, तो चार ऑप्शन में अच्छा एक आप अंदाज लगाइए पहले कि इस तरफ क्लोरीन है, आयरन है, आयरन है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, लेकिन ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो उस तरफ हो इस तरफ ना हो। तो एक S दिख रहा है उस तरफ और इस तरफ नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर कुछ ज़रूर सल्फर का कोई कंपाउंड होगा। अब बैलेंस रिएक्शन में आप जोड़ के निकाल सकते हैं कि किसके कितने एलिमेंट बचे। देखिए पूरी बैलेंस रिएक्शन उन्होंने लिख रखी है, आपको एक क्लोरीन है वो तो उधर निकल गया, दो हाइड्रोजन है आपके पास, दो दो चार हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर चार हाइड्रोजन है यानी क्लियर है। अब ऑक्सीजन की बात कर लें तो देखिए एक S आपके पास हो गया, ठीक वो तो होगा ही कम से कम यहाँ। इसके बाद दूसरे एलिमेंट में अगर देखें ऑक्सीजन, तो चार ऑक्सीजन वहाँ है और दो ऑक्सीजन यहाँ है, तो यानी आपको दो ऑक्सीजन की और ज़रूरत पड़ी होगी, यानी इसके साथ वो दो ऑक्सीजन और जुड़े होंगे, यानी इस तरीके से आपका आंसर क्या हो गया कि SO2 हो गया। भले आपके पास ऑप्शन ना हो, आपने ना देखे हो, फिर भी आप आंसर करेक्ट और सही निकालेंगे, ठीक है। इसके बाद अगला है लौह चूर्ण पर तन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है, फोर्थ नंबर क्वेश्चन है। लौह चूर्ण पर यानी आयरन पाउडर है आपके पास और इसमें हमने क्या डाला, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो जानते हैं हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी, एसिड के साथ कराएंगे, हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा इसका, तो ये क्या बन जाएगा आपका FeCl2 और हाइड्रोजन गैस, ठीक है, गैस है तो इसलिए एरो लगा सकते हैं हम, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। और इसके बाद तो निकला क्या, अब ये ऑप्शनल क्वेश्चन है, ऑप्शन में थ्योरी में दिया हुआ है हिंदी में, ना कि रिएक्शन, और ऑप्शन में जो दिए हैं क्या बनेगा, तो फेरिक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस की जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ऐसे चार ऑप्शन अलग अलग दे रखे हैं, तो आपको मालूम है रिएक्शन कर दीजिए, भले ऑप्शन क्वेश्चन में ज़रूरत नहीं होती लेकिन फिर भी आप कर दीजिए, कि इसमें आपको ही आपकी प्रैक्टिस है, नहीं आता तो कोई बात नहीं, सिर्फ टिक करिए, लेकिन कोशिश कीजिए कि आप सही से प्रॉपर आंसर दें, क्योंकि आपको पूरे मार्क्स अगर चाहिए तो आपको पूरा प्रॉपर आंसर देना पड़ेगा, नहीं देंगे तो पास तो सभी लोग हो जाते हैं, लेकिन आपको 100 में 100 लाने हैं। इसके बाद फिफ्थ नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि रासायनिक समीकरण में अभिकारक तथा उत्पाद किस प्रकार लिखे जाते हैं। तो अब ये देखिए क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, आप देखिए मैंने पीछे जितने क्वेश्चन कराए ये आपको ये सारे बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं, और इसके बाद ये तो नहीं आया जो कि अब, लेकिन आपको मालूम है कि कैसे लिखते हैं,
तो अभिकारकों को हम तीर किसी रासायनिक समीकरण में अभिकारक को तीर के चिन्ह के बाईं ओर लिखा जाता है, या रासायनिक समीकरण में बाईं ओर लिखा जाता है। और यदि दो से अधिक अभिकारक होते हैं तो उनको धन के चिन्ह से हम अलग अलग करके लिखते हैं, ठीक है। और उत्पाद जो क्रिया में निर्माण होता है जिस पदार्थ का, उसे हम उत्पाद कहते हैं, उसे हम एरो के दाईं ओर लिखते हैं। अगर उनकी भी संख्या एक से अधिक होती है तो उन्हें हम धन के चिन्ह द्वारा अलग कर देते हैं, ठीक है। वेरी सिंपल है, इसके अलावा आपको कुछ उसमें अतिरिक्त लिखना नहीं है। फिर एग्जाम्पल में इतनी सारी कोई भी रिएक्शन है आप दे सकते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। तो संतुलित रासायनिक समीकरण भी मैं आपको बता चुका हूँ कि जो है संतुलित समीकरण क्या होती है, कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक तथा उत्पाद जो कि परमाणुओं की संख्या यदि समान है, या ऐसे कहें कि किसी रासायनिक वे समीकरण जिसमें अभिकारक पदार्थों की कुल अणुओं की संख्या और परमाणुओं की संख्या, अणु मत बोलिए परमाणु बोलिए, तथा उत्पाद के कुल परमाणुओं की संख्या समान होती है, संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाती है। वेरी सिंपल है। इसके बाद अगला है, ये सब मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, पिछला वीडियो आप मेरा देख लीजिए, लेकिन इसको भी आप देख लेंगे तो आपका कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा। इसके बाद है उपचायक तथा अपचायक किसे कहते हैं, ठीक है। तो देखिए मैंने आपको उसमें बताया था, और ये क्वेश्चन मिल सकता है आपको, इम्पॉर्टेंट है क्योंकि 11th 12th में आता रहा है, और ये जब से इधर टॉपिक डाला गया तो इसके प्रोबेबिलिटी है कि संभावना है कि हो सकता है आ जाए। तो देखिए आपसे क्या पूछा कि अपचायक और उपचायक क्या, तो इसी में समझिए, इस रिएक्शन में लेड ऑक्साइड का क्या हुआ, ऑक्सीजन रिमूव हुआ, यानी इसका अपचयन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है लेड में। अब अपचयन हो रहा है तो मैंने आपसे कहा था इसका रिडक्शन खुद नहीं हो रहा है, इसका रिडक्शन कोई करा रहा होगा, वो इससे ऑक्सीजन रिमूव करा रहा होगा। तो कौन करा रहा है, कार्बन। तो कार्बन हो गया अपचायक, ठीक है ना, रिडक्टेंट। और इसके बाद लेड ऑक्साइड जो है इसका खुद का क्या हो रहा, ऑक्सीकरण, लेकिन ये इसमें ऑक्सीजन ऐड करा रहा, तो ये क्या हो गया, अपचायक, सॉरी गलत बोलिए, ऑक्सीकारक। क्या हो गया, जिसका अपचयन होगा वो ऑक्सीकारक होगा, ठीक, जिसका रिडक्शन हुआ वो ऑक्सीडेंट, और जिसका ऑक्सीडेशन हुआ वो रिडक्टेंट, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा, तो यही आपको लिखना है उसमें परिभाषा में, और कुछ नहीं, एक एग्जांपल दे दीजिए और इसके नीचे लिख दीजिए कि यही एग्जांपल डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आपको इतने सारे एग्जांपल मैंने पढ़ाए हैं। इसके बाद सारी कंप्लीट आपको सीखने से यही फ़ायदा मिलेगा कि आपको अगर सिर्फ एक या दो या चार रिएक्शन याद हैं तो आप किसी भी टाइप की डिफिनेशन आ जाए उसमें एग्जांपल आप दे सकते हैं, और एग्जांपल देना मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है। फिर है वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ़ क्यों किया जाता है, ठीक है ना। तो वाई इज मैग्नीशियम रिबन बिफोर द क्लीनिंग, ठीक है, क्लीनिंग बिफोर बर्निंग एंड एयर, मतलब आपका जो जलाने के पहले क्यों किया जाता है, तो क्यों किया जाता है, साफ सीधी सी बात है, अगर मैग्नीशियम, देखिए रिएक्शन मैं आपको लिख देता हूँ, इसमें ये नेक्स्ट जो भी है आपका Mg होता है मैग्नीशियम, ये जब एयर में आप इसको बर्न कराओगे जलाओगे तो क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। बैलेंसी के लिए दो है तो दो लगाना पड़ेगा, तो Mg भी आपको दो लेने पड़ेंगे। अब हुआ क्या, अगर मैग्नीशियम रिबन या कोई भी चीज़ बर्निंग वाली है जो जलती है, अगर जलाएंगे और ऑक्सीजन का संपर्क उससे नहीं हुआ तो क्या होगा, क्या वो जलेगी, कभी नहीं जलेगी। तो मेन कारण है मैग्नीशियम रिबन को हम लोग साफ इसलिए करते हैं क्योंकि ऑक्सीजन के संपर्क में रहने की वजह से उसके ऊपर एक मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर लग जाती है, और वायु के संपर्क में आकर वो जल नहीं पाता ठीक से। यदि हम उसको साफ कर देंगे तो वो मैग्नीशियम सॉरी ऑक्सीजन यानी हवा के संपर्क में आसानी से आ जाएगा और अच्छे से जल जाएगा, ठीक है। तो इसलिए जो है हम लोग मैग्नीशियम रिबन को साफ करते हैं, ठीक है, अच्छे से। अब यहाँ पर मैग्नीशियम का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीकरण, ठीक है। उसके बाद है कि किसी पदार्थ एक्स के विलयन का उपयोग सफ़ेदी करने के लिए होता है, तो घर में सफ़ेदी करने के लिए एक पदार्थ है यूज करते हैं, तो आपका दिमाग जाना चाहिए कहाँ,
कौन सा ऐसा पदार्थ है, भले नाम ना पता हो लेकिन आप फिजिकली उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो, आपके सामने रख दिया जाए तो आप बता सकते हो, या तो आप व्हाइट सीमेंट बताओगे या तो आप चूना बताओगे। तो अब आज की डेट में तो चूना कोई बहुत करता नहीं है, तो या तो आप इमल्सन बोल दोगे या तो व्हाइट सीमेंट बोल दोगे, लेकिन यहाँ पर इनका मतलब उससे कतई नहीं है। यहाँ पर मतलब है आपका जो पुराने गाँवों में समय में हम लोग सफ़ेदी करते थे चूना से, चूना पत्थर लाइम स्टोन से, उससे बात की जा रही है। तो उसका फार्मूला क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड, क्या होता है कैल्शियम ऑक्साइड। जब इसको हम लोग वाटर के साथ मिक्स करते हैं तो देखिए अब दो उसमें सेंटेंस दिए गए, कथन दिए गए, उससे क्लियर करना। पदार्थ एक्स का नाम तथा इसका सूत्र लिखिए। तो नाम पहले इसकी पहचान मैंने आपको बता दी, चूना पत्थर का प्रयोग करते हैं यानी कैल्शियम ऑक्साइड। केमिकल नेम, जनरल नेम हो गया चूना पत्थर, केमिकल नेम हो गया कैल्शियम ऑक्साइड, और सूत्र हो गया यानी अणुसूत्र हो गया कैल्शियम ऑक्साइड। ये आप इतनी चीज़ लिख सकते हैं, लिखनी चाहिए आपको अलग अलग हेडिंग डाल के। फिर उसके बाद सेकेंड नंबर उसी में पूछा है कि जो पदार्थ एक्स लिखा है इसकी जल के साथ अभिक्रिया लिखिए। तो इसका मैंने बोला अगर हम इसको जल के साथ मिक्स करते थे तो बर्तन हम लोगों के गर्म हो जाते, गांव में जो है भड़िया समझते हैं मटके मिट्टी के जो होते हैं उनमें डालते थे, और ताकि भाई प्लास्टिक के बर्तनों में डाल देंगे तो बहुत हीट कर जाएंगे, बर्तन मेटल के होंगे तो वो हीट कर जाएंगे, तो उसमें डालने से जो है कम से कम छोप पकड़ने उठाने में थोड़ी गर्माहट कम होती है, ऊपर आराम से कंडक्टर नहीं होता सुचालक, इसलिए। तो इसकी जब रिएक्शन कराते हैं तो ये क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और प्लस हीट। तो ये एग्जाम्पल आपका देखिए कहाँ पे भी मिल सकता है, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया एक्सोथर्मिक रिएक्शन में भी आप ये एग्जाम्पल डाल सकते हैं, मैंने आपको लिखाया है। तो ये रिएक्शन देखिए यहाँ पे भी आई और काम वहाँ पे भी आई, वहाँ आपने पढ़ी लेकिन पूछी किस ढंग से गई, इस तरीके से ये एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो कैल्शियम ऑक्साइड की जब हम जल से क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। मैं आपको नाम बोल रहा हूँ, आप अपनी फेयर कापी में जब भी लिखें तो इनके नीचे जो है इनके नाम ज़रूर लिखें, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद है, एक भूरे रंग का चमकदार तत्व एक्स को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काले रंग का हो जाता है, इस तत्व एक्स एवं उसके काले रंग के यौगिक का नाम बताइए। ठीक है, देखिए भूरे रंग का चमकदार पदार्थ, तो आपके पास ऐसी कौन सी मेटल है जो भूरे रंग में होती है, सोना या तो तांबा। तो तांबा पीले में आ जाता है लेकिन ब्राउन, थोड़ा ब्लैकनेस टाइप का ब्राउन जो होता है भूरा, वो आपका होता पीला ही है, लेकिन आप घर में पूजा के बर्तन होते हैं तांबे के तो आपने उनको गौर किया होगा कभी, तो वो बिल्कुल प्योर पीले तो नहीं होते सोने के तरह, तो उसको ब्राउन बोल दिया गया है यहाँ पर। तो वो ब्राउन कलर का यानी पहचान हो गई हमारी कि कॉपर है, तांबा क्या हो गया। तो पहले आपको पहचान करनी थी तो पहचान क्या कर दी, काले रंग का पदार्थ हमारा क्या होता है, एक्स जो पदार्थ प्रश्न में पूछा जा रहा है वो है आपका कॉपर। ठीक, इसके बाद इसके काला रंग क्यों आता है, तो जब आपका कॉपर ऑक्सीजन के संपर्क में आता है, ठीक है, Cu जब आपका ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो ये अपने आप रिएक्शन कर लेता है क्या, और बना देता है CuO क्यूब प्लस ऑक्साइड। ठीक है, सॉरी गलत मैं बोल रहा हूँ, क्यूप्रिक ऑक्साइड, जब डबल प्लस शो करता है ना, डबल माइनस के नीचे कुछ लगा नहीं तो उसको क्यूप्रिक बोलते हैं, और जब सिंगल एक प्लस शो करता है तो उसको क्यूप्रस बोलते हैं। ये सभी के लिए, कम करें तो अस लगाइए, ज़्यादा बोले तो एक लगाइए। ठीक है, तो ये दो तरीके का कंपाउंड बना सकता था, CuO और एक Cu2O। तो Cu2O होगा क्यूप्रस ऑक्साइड और CuO है क्यूप्रिक ऑक्साइड। तो कॉपर प्लस ऑक्सीजन मिलकर आपका क्या बना देगा, कॉपर ऑक्साइड। ठीक, तो इसी की वजह से काला कलर आ जाता है, पानी में बहुत दिनों तक पड़ा रहे या पूजा की उसमें पानी रखा जाता तो उसकी वजह से आपने गौर किया होगा, तो ये रीजन है इसका। ठीक, इसके बाद इसी में अगर साथ में पानी भी हो तो जैसे यहाँ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना, यहाँ पर क्या बनेगा, कॉपर हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। तो कॉपर हाइड्रोक्साइड जो होता है उसका कलर ग्रीन कलर का होता है, तो जैसे कोई कंगन पहनता है या इस तरीके का कभी पानी में बहुत दिनों तक पड़ा रहा होगा तो जो जंग होती है रस्ट, तो उसकी ग्रीन कलर की होती है, जबकि आयरन की ब्राउन कलर की होती है। ये भी मैंने आपको क्लियर करा दिया। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट अगर हम लोग करें तो क्या है, अगला है आपका लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं। वेरी सिंपल, जंग से बचाने के लिए लिया आ गया क्वेश्चन। यदि लोहे की वस्तुएं आपकी किसके संपर्क में आती हैं, अच्छा इसमें नहीं लिखी है मैंने रिएक्शन, अगर जल और वायु के संपर्क में आती हैं तो उनमें Fe2O3 जैसे ये है ना Fe2O3 आयरन ऑक्साइड की एक परत लग जाती है जिसे हम जंग कहते हैं, तो उससे लोहा क्षरित हो जाता है, संक्षारित हो जाता है, ख़राब हो जाता है,
कोरोजन हो जाता है उसका, तो इस वजह से हम लोग क्या करते हैं, पेंट कर देते हैं ताकि वायु से इसका संपर्क टूट जाए और इसमें रस्ट यानी जंग ना लगे। ठीक है, बिल्कुल सीधा सा जवाब आपको लिखना है। उसके बाद है लोहे तेल एवं वायुयुक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है। तो अब ये मैंने आपको बताया था विकृत गंधिता, रेंसिडिटी, तो रेंसिडिटी यानी विकृत गंधिता, सड़ जाना, महक आना, तो वो क्या था आपका, क्यों होता है ऐसा। तो उसका मेन रीज़न क्या है कि जब भी कोई खाद्य पदार्थ ऑयल या तेल युक्त होती हैं, उनको अगर हम खुले वायु में रख देते हैं तो वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करती हैं, यानी उनका ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकृत हो जाती हैं कुछ विभिन्न दूसरे जहरीले और दुर्गंधित पदार्थों में, जिसके कारण उसकी महक अरुचिकर हो जाती है। तो इसलिए हम अपने खाद्य पदार्थ को ऐसी वायु या ऐसे वातावरण के संपर्क में रखते हैं जो उससे अभिक्रिया ना करे। तो नाइट्रोजन गैस जो है वो आपकी कुछ इस प्रकार की ऐसी गैस है जो कम क्रियाशील होती है, ये तो नहीं बोलेंगे कि क्रियाशील नहीं होती, लेकिन कम क्रियाशील, बहुत कम क्रियाशील होती है। यही कारण है कि हमारे एटमॉस्फेयर में 78% N2 गैस यानी नाइट्रोजन है। तो ये आप कन्फर्म हो गई होगी बात, अपन लिखनी कैसे है। ठीक है, इसलिए हम लोग खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन गैस से युक्त कर देते हैं ताकि वो ऑक्सीजन होगी तो रिएक्शन करके दूसरे दुर्गंधित पदार्थ का निर्माण करेगी, परंतु नाइट्रोजन ऐसा नहीं करेगी, तो हमारा जो है भोज्य पदार्थ है वो ख़राब नहीं होगा, उसमें दुर्गंध नहीं आएगी। ठीक है, और इसीलिए चिप्स के पैकेटों में भी नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, ये आप NCERT वाली बुक में पढ़ चुके होंगे, नहीं पढ़ा तो आप जान जाइए। फिर उसके बाद है अगला क्वेश्चन, आप देखिए वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आ गए, मैंने आपको ये अति लघु उत्तरी यानी वेरी शॉर्ट बता दिए, अब शॉर्ट की बात करते हैं। देखिए शॉर्ट में पहला क्वेश्चन है आपका,